नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं संघीय मंत्रिपरिषद और उसके कार्यों के संदर्भ में। दोस्तों, किस तरह से मंत्रिपरिषद का गठन होता है, उन सभी के हम बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन किन किन से मिलके होता है, मंत्रिपरिषद के संवैधानिक प्रावधान क्या है और उनके कार्य क्या है, उन सभी के हम बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी तरह के आप अपडेट से वंचित ना रहे। दोस्तों, आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका पूर्ण बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, नीचे जो टेलीग्राम ऐप है उसका लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम ऐप को आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप सभी वीडियोस के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद और उसके कार्य। अनुच्छेद 74, इससे पहले हम बात करते हैं भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, यानी कि किस तरह की शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसमें राज्याध्यक्ष, राज्य का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, जो सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद में निहित होती है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ पे है? आर्टिकल 74 में, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता करेगा। भारत की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद ही है, यानी कि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद ही है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, किस आधार पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है, वो सब हम देखते हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत की गई है, यानी कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख 74 में है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का जो उल्लेख है वो संविधान के आर्टिकल 75 में है। आर्टिकल 75 को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि आर्टिकल 75 को 6 खंडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक खंड में अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग विशेषताओं का उल्लेख है। हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 75 के खंड 1 की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति इस संदर्भ में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है, यानी कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति आर्टिकल 75 के खंड 1 के तहत की जाती है, यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, प्रधानमंत्री भी एक मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा होता है, यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और बाकी की जो मंत्री है उन मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इस संदर्भ में, यानी कि किसी भी दल का अगर स्पष्ट बहुमत ना हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। स्वविवेक का प्रयोग करते हुए, ऐसा एग्जाम्पल है, स्वविवेक का प्रयोग करते हुए नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। इसके बाद आर्टिकल, परंतु वर्तमान में ये प्रपाटी बन गई है कि यदि किसी दल को लोकसभा में बहुमत न मिले तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाकर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। यानी कि यदि किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, यानी कि जो बहुमत का जो आंकड़ा है, यानी कि 272, यदि वो प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में
उसे किसी भी बड़े दल को, यानी कि जिस दल ने सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की है, उस दल को वो आमंत्रित कर सकता है और प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाकर उसे सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। अनुच्छेद 75(1) क, यानी कि खंड एक में क जोड़ा गया है, उसमें ये कहा गया है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इस अनुच्छेद को स्थापित कर ये प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि दोस्तों, जब सरकार का स्टार्टिंग में गठन हुआ था तो उस समय मंत्रियों की संख्या सिर्फ 18 थी, यानी कि मंत्रालय कितने थे, सिर्फ 18 थे। उसके बाद में कई बार इसमें बदलाव किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय सबसे ज़्यादा विभागों का इस्तेमाल किया गया, यानी सबसे ज़्यादा मंत्री बनाए गए। तो ये एक संविधान में प्रावधान नहीं था कि मंत्रिमंडल की निश्चित सीमा या मंत्रिपरिषद की निश्चित सीमा कितनी होगी। तो इस चीज़ को संक्षिप्त करने के लिए, निश्चित करने के लिए आर्टिकल 75 के खंड एक में संशोधन किया गया और उसके खंड एक में क जोड़ा गया और उसमें 91वें संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया और 15% का प्रावधान किया गया। यानी कि जो लोकसभा के कुल सदस्य हैं, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं हो सकता है, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 75(1)(क) में किया गया। इसके बाद अनुच्छेद 75(2) 75 के खंड 2 में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, या हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 75 के खंड 2 में ये बात कही गई है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के लिए या राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये बात आर्टिकल 75 के खंड 2 में कही गई है। इसके बाद आर्टिकल 75 के खंड 3 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि लोकसभा में जब तक बहुमत होता है तब तक मंत्रिपरिषद का अस्तित्व होता है। और 75 के खंड 2 में ये कहता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक मंत्री अपने पद पर बना रहता है। हालांकि व्यवहार में हम बात कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी मंत्री को नहीं हटा सकता है, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ऐसा कर सकता है, लेकिन संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति ही उनको हटाता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से जो मंत्रिपरिषद या मंत्री जो उत्तरदायी होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। ये आर्टिकल 75(2) में कहा गया है। और आर्टिकल 75(3) ये कहता है कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं कौन, मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 75 का खंड 4 कहता है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा। यानी कि 75 आर्टिकल 75 के खंड 4 में मंत्रिपरिषद के शपथ से संबंधित प्रावधान है, और वो शपथ से संबंधित प्रावधान का जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में इसका उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में इसका उल्लेख क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप क्या है। शपथ का प्रारूप, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
मैं भय का पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इसके बाद जो मंत्री शपथ लेता है वह गोपनीयता की शपथ लेता है। गोपनीयता की शपथ क्या है दोस्तों? इसका प्रारूप है, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान करता हूँ, जो इसे संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ऐसा आर्टिकल 75 के खंड 4 में है, यानी कि मंत्रिपरिषद के या मंत्रियों के शपथ का प्रावधान 75 के खंड 4 में है, जिसका शपथ का जो प्रारूप है उसका उल्लेख तीसरी सूची में दिया गया है, यानी कि अनुसूचियों में तीसरी अनुसूची में इसका उल्लेख है। इसके बाद आर्टिकल 75 के खंड 5 में कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह के किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी 75 के खंड 5 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो सदन का सदस्य नहीं है उसको 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 माह से अधिक समय तक उसको, यदि 6 माह में वो सदस्यता नहीं लेता है सदन की, यानी कि चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का सदस्य हो, यदि लेकिन दोनों में से किसी का भी अगर वो सदस्य नहीं होता है तो उसका जो मंत्री बने रहने की अवधि है वो समाप्त हो जाएगी। अभी हाल ही में ऐसा एक एग्जाम्पल हुआ है नरेंद्र मोदी सरकार में, इसमें जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री को नियुक्त किया गया है, एस जयशंकर को इसी तरीके से किया गया है, उन्हें 6 महीने के भीतर सदन की सदस्यता लेनी होगी। यदि 6 महीने के भीतर अगर वो सदस्यता नहीं लेते हैं तो आर्टिकल 75 के खंड 5 के तहत उनकी मंत्री की जो अवधि है, मंत्री बने रहने की अवधि है, वो समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 75 के खंड 6, मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे, वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान है आर्टिकल 75(6) में, मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर निश्चित करे, और जब तक संसद इस प्रकार के निश्चित नहीं करती है या अवधारित नहीं करती है तब तक दूसरी अनुसूची के अनुसार दे होगा। यानी कि या तो संसद वेतन भत्तों का निर्धारण करती है, यदि संसद इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाती है तो ऐसी स्थिति में जो दूसरी अनुसूची में जो वेतन दिया गया है उसी के अनुसार इनको वेतन प्रदान किए जाएंगे। आर्टिकल 75(6) में वेतन और भत्तों से संबंधित है। इसके बाद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, संविधान में मंत्रियों की श्रेणियों का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इनको 3 भागों में बांटा गया है। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री एक ही स्तर के नहीं होते हैं, उनकी 3 श्रेणियां हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन सी 3 श्रेणियां होती है। कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं। हालांकि उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये एक संवैधानिकतर पद है, इसकी संविधान में चर्चा नहीं है। सामान्यतया ये वरिष्ठ प्रभावशाली मंत्री होता है जो प्रधानमंत्री के समान प्रभाव रखता है। सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके बाद इसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री होता है। इसमें एक किचन कैबिनेट का भी उल्लेख होता है। किचन कैबिनेट किसको कहा जाता है?
किचन कैबिनेट उन प्रभावशाली मंत्रियों का समूह है जिसमें प्रधानमंत्री ज़्यादातर सलाह मशवरा करता है, जिनसे डिस्कशन करता है, वो किचन कैबिनेट कहलाता है। ये शब्दावली राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा इजाद की गई है, यानी किचन कैबिनेट। गठबंधन की राजनीति के दौर में किचन कैबिनेट की धारणा और ज़्यादा प्रासंगिक हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ सहज नहीं होता है, तो ऐसे स्थिति में किचन कैबिनेट का शब्द उल्लेख में आया, यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री परिषद में श्रेष्ठ और उच्च स्थान रखते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद में श्रेष्ठ और उच्च स्थान रखते हैं। उनका वेतन भी अन्य मंत्रियों से ज़्यादा होता है। कैबिनेट शब्द मूल संविधान में नहीं था। 44वीं संविधान संशोधन 1978 द्वारा अब इस शब्द को अनुच्छेद 352 में शामिल कर लिया गया है, तथा आपातकाल लागू करने संबंधी सिफारिश पर मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की बाध्यता आरोपित कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री परिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं और वे अपने विभाग या मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। इसके बाद राज्य मंत्री आता है। इन्हें कैबिनेट की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। इनकी दो श्रेणियाँ हैं, राज्य मंत्रियों की, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। वे राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया गया है, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है, जबकि बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। यानी कैबिनेट के बाद राज्य मंत्री के दो भाग है, यानी कि दो हिस्से कर रखे हैं, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर कार्य करते हैं। उसके बाद उप मंत्री का स्थान। उप मंत्री कनिष्क मंत्री होता है, अर्थात जूनियर मिनिस्टर होता है, जो किसी कैबिनेट मंत्री अथवा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है। तो इस तरह से ये तीन मंत्रियों की कैटेगरियाँ होती हैं। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में सबसे बड़ा अंतर ये है कि मंत्रिपरिषद में तीनों स्तर के मंत्री सम्मिलित होते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ये सभी किस में आ जाते हैं? मंत्रिपरिषद में। अतः मंत्रिपरिषद का आकार मंत्रिमंडल की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। मंत्रिमंडल उत्तम एवं वरिष्ठ मंत्रियों की एक समिति है और व्यवहार में यही शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, अर्थात सरकार चलाने में सबसे बड़े जो अहम भूमिका होती है वो कैबिनेट मंत्रियों की ही होती है। इसके बाद कार्यकाल की हम बात कर लेते हैं। तो कार्यकाल के संदर्भ में हम बात करते हैं तो संविधान क्या है देखते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है। संवैधानिक हम बात कर लेते हैं तो संविधान में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी कि हमने आर्टिकल 75 का खंड 2 पढ़ा था, तथापि इस खंड में राष्ट्रपति के हाथ बंधे हुए हैं। पूर्व में मैं बता चुका हूँ, जब तक प्रधानमंत्री न चाहे वह किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। पुनः मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, आर्टिकल 75 के खंड 3 में हम बात कर चुके हैं। जब तक वह लोकसभा का विश्वास प्राप्त रखती है अपने स्थान पर बनी रहती है। वैसे तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का होता है, परंतु इससे पहले भी वह हट सकते हैं यदि वह लोकसभा का विश्वास खो देते हो। इसके बाद हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद के फंक्शंस, कार्य क्या है। भारतीय संविधान द्वारा मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है, मंत्रिमंडल का कहीं पर भी नहीं। संविधान संशोधन 44वीं संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख आर्टिकल 352 में किया गया था। बाकी
स्टार्टिंग में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं था। सिर्फ अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा अगर जाए कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहां पर है, तो आर्टिकल 352 में। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद ही शासन करती है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिपरिषद के सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। एमवी पाइली क्या कहते हैं, ये कोट है, कोटेशन है, ध्यान रखना दोस्तों, पूछ लिए जाते हैं। एमवी पाइली, मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीतियों का निर्माता, नियुक्ति करने वाला सर्वोच्च स्तर, अंतर विभागीय झगड़ों को सुलझाने वाला तथा सरकार के कार्यों में कोऑर्डिनेशन बनाने वाला सर्वोच्च अंग होता है। एमवी पाइली मंत्रिमंडल के संदर्भ में कहते हैं, अर्थात जो मुख्य दावमदार होता है वो मंत्रिमंडल के ऊपर ही होता है सरकार चलाने का। इसके बाद लावेल कहते हैं कि कैबिनेट राजनीतिक भवन की आधारशिला है, यानी कि राजनीतिक भवन की आधारशिला लावेल ने किसको कहा है, कैबिनेट को कहा है। भारत में मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद निम्न कार्यों का संपादन करता है, क्या क्या कार्य संपादित करते हैं वो हम देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना, राष्ट्रीय नीति का निर्माण किस तरह से करते हैं वो हम देखते हैं। मंत्रिमंडल देश की वास्तविक कार्यपालिका होने के कारण राष्ट्रीय नीति का निर्माण करते हैं। शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, समाज कल्याण के लिए सरकार का कार्य निश्चित करना, देश की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक उन्नति के उपाय करना, घरेलू एवं विदेश नीति का निर्धारण करना, विदेशों से संबंध स्थापित करना, युद्ध एवं शांति से संबंधित कार्यों का संपादन करना तथा विदेशों से संधियां एवं समझौते करना आदि राष्ट्रीय नीति से संबंधित मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण कार्य हैं, परंतु इन सभी कार्यों के लिए उसे संसद से स्वीकृति लेनी पड़ती है। इस तरह के अनेक कार्य करके राष्ट्रीय नीति निर्माण में मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद अपना विशेष योगदान देती है। दूसरा कार्य है प्रशासकीय कार्य, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। मंत्रिमंडल पूरे देश के शासन के लिए उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल के सदस्य न सिर्फ अपने विभागों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं, अपितु सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। संसद में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी इन्हें ही देना पड़ता है। प्रदत्त विधान यानी कि डिलीगेटेड लेजिस्लेशंस की शक्ति के कारण मंत्रिमंडल के प्रशासकीय कार्यों में अपूर्व वृद्धि हुई है। प्रदत्त विधान की शक्ति के कारण मंत्रिमंडल के प्रशासकीय कार्यों में अपूर्व वृद्धि हुई है, अर्थात प्रशासकीय कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान होता है मंत्री परिषद का, यानी कि वास्तविक कार्यपालिका कौन है, मंत्री परिषद। तीसरा जो कार्य है वो वैधानिक कार्य। दोस्तों इनको एक एक करके आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कई बार चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि मंत्री परिषद के कार्य हैं, एक दूसरा दे दिया जाएगा, तीन इनमें से एक दूसरा दे दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैधानिक कार्यों की बात करते हैं हम, यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस। भारत में मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के लिए जाते हैं, संसद से लिए जाते हैं, यानी संसद के ही सदस्य होते हैं। संसद के सदस्य होने के कारण ये संसद की प्रत्येक कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। संसद का अधिवेशन बुलाना, राष्ट्रपति का भाषण तैयार करना, संसद में विभिन्न विधेयक प्रस्तुत करना आदि उनके वैधानिक कार्य हैं। संसद में अधिकतर विधेयक मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं एवं संसद का अधिकांश समय उन विधेयकों पर विचार करने में ही चला जाता है। मंत्रिमंडल ही जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो तब राष्ट्रपति के नाम पर अध्यादेश जारी करता है।
आर्टिकल 123 के तहत। मंत्रिमंडल का काम सिर्फ विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करना ही नहीं अपितु उसे पारित करवाना भी होता है। दलीय अनुशासन के कारण सत्तारूढ़ दल के सदस्य विधेयक का विरोध नहीं करते। एक विधेयक आसानी से पारित हो जाता है। प्रस्तुत आज की परिस्थितियों में मंत्रिमंडल ही कानून का निर्माता है एवं उसे लागू करने की जिम्मेदारी भी मंत्रिमंडल की ही होती है। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद के वैधानिक कार्य होते हैं या वैधानिक कार्य संपादित करते हैं। वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल फंक्शंस। मंत्रिमंडल को देश की वित्तीय स्थिति पर विशेष अधिकार प्राप्त है। वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद में बजट प्रस्तुत करती है तथा व्यय को पूर्ण करने के लिए नए कर लागू कर सकती है। नए कर लगाना, कुछ करों को हटाना आदि भी मंत्रिमंडल ही करती है। यद्यपि बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, उसकी अंतिम स्वीकृति मंत्रिमंडल ही देता है। यानी कि बजट की जो वित्तीय कार्य है या वित्तीय स्वीकृति जो या बजट स्वीकृति का जो अंतिम कार्य है वो अंतिम स्वीकृति मंत्री परिषद ही देती है। नियुक्तियों से संबंधित मंत्री परिषद किन किन नियुक्तियों को मंत्री परिषद की अनुमति से या सलाह से किन किन की नियुक्ति की जाती है, उनसे संबंधित कार्य मंत्री परिषद के। यद्यपि देश के सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, व्यवहार में राष्ट्रपति के निर्णय के पीछे मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का परामर्श रहता है। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात की महान्यायवादी, अटोर्नी जनरल, राज्यपाल एवं राजदूतों की नियुक्ति में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से ही कार्य करता है। अर्थात जो सभी नियुक्तियां हैं राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली, उसमें मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की सलाह निहित होती है। इसके बाद समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, किस तरह से मंत्रियों के बीच, मंत्री परिषद सरकार सभी लोगों के बीच समन्वय बनाए रखती है। मंत्रिमंडल का एक प्रमुख कार्य विभिन्न सरकारी विभागों में समन्वय स्थापित करना भी है ताकि देश का शासन सुचारू रूप से चलता रहे। यह काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट सचिवालय करता है। आपातकालीन शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 352, 356, 360 द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए संकटकालीन अधिकारियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करती है। 44वें संविधान संशोधन से पहले राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग सिर्फ प्रधानमंत्री के परामर्श से करता था। अब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग तभी कर पाएगा जब मंत्रिमंडल उसे ऐसा करने के लिए लिखित सलाह देती हो। आर्टिकल यानी कि शक्तियों से संबंधित सभी आर्टिकलों का प्रयोग मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श से ही किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला जो फंक्शन है मंत्रिमंडल का जो कार्य है वो जांच पड़ताल की शक्ति है। मंत्रिमंडल मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप के आधार पर जांच आयोग की भी नियुक्ति करता है। देश में घटी आकस्मिक घटनाओं की जांच के लिए भी वह समिति या आयोग की नियुक्ति कर सकता है। जैसा कि कारगिल घटना की जांच के लिए सुब्रमण्यम समिति गठित की गई थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस कमेटी का कारगिल से संबंधित जो कमेटी थी वो थी सुब्रमण्यम समिति। अंत में देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, उपद्रवों से निपटना, कानूनों को लागू करना आदि भी मंत्रिमंडल के प्रमुख कार्य है। इस प्रकार स्पष्ट है कि देश का शासन मंत्रिमंडल द्वारा ही चलाया जाता है। राष्ट्रपति को सभी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। विदेशों से संबंध स्थापित करना, नीति निर्माण एवं उसका कार्यान्वयन करना,
नियुक्तियां करना तथा देश में शांति व्यवस्था स्थापित करना मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण कार्य हैं। सारे महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्यों की समिति मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। इस संबंध में रेमजे म्यूर का एक कथन है कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का निदेशक चक्र है, यानी मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का निदेशक चक्र है, यानी कि मंत्रिमंडल जो राज्य रूपी जहाज है उसका निदेशक चक्र है, यानी कि उसका निर्देशन कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। ये रेमजे म्यूर का एक कोट है, इसे आप विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमने पिछले अंक में अभ्यास प्रश्न दिया था, उसका सही आंसर है वो हम देखते हैं। प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए कि किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है। लोकसभा, देखिए दोस्तों, लोकसभा की जो अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के ही सदस्यों में से किसी एक को चुना जाता है, वो लोकसभा की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा, राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है या उसका पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और दोस्तों, जब उपराष्ट्रपति हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता है, यानी कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो उसकी सदस्यता और उसकी अध्यक्षता करता है। आर्टिकल 64 में हमने ये पढ़ा था। राज्य विधान परिषद तथा राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इन्हीं में से किसी सदस्य को इन्हीं के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है राज्यसभा। तो दोस्तों, आज के जो प्रश्न है, आज का जो अभ्यास प्रश्न है वो हम देखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है। प्रश्न एक बार पुनः सुनिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है। दोस्तों, आप सभी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया करें और कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर दें, ताकि आप सभी की जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो। और यदि आपको प्रश्न नहीं आते हैं तो इनसे संबंधित आप ऑप्शनों को मतलब इससे संबंधित चीज़ों को आप देखें, पढ़ें और उत्तर देने का प्रयास करें। तो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है। ऑप्शन एक है 80, दूसरा है 140, तीसरा 273 और चौथा है 50। दूसरा अभ्यास प्रश्न है आज का, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। दूसरा कथन है, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसके विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में इन दोनों प्रश्नों का आप आंसर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना सीख पा रहे हो। और मैं भी, और दोस्तों, किसी तरह के आपको इन वीडियोस में किसी तरह की कोई कमियां हैं या किसी तरह की कोई गलतियां हैं तो तुरंत आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उनमें सुधार कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को।